नमस्कार, मैं सोनम और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज। पूरी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य ने कहा है कि ईसा मसीह हिंदू थे, साथ ही उनका कहना है कि ईसा मसीह 10 साल तक भारत में रहे, जिसमें उन्होंने 3 साल पुरी में बिताया था। पीठ के संत का ये भी कहना है कि ईसा मसीह के माथे पर कई जगह तिलक देखा गया है और ईसा मसीह वैष्णव पंथ के समर्थक थे और हिंदू धर्म में विश्वास करते थे। शंकराचार्य के इस स्टेटमेंट पर ईसाई धर्म के पुजारियों द्वारा जमकर विरोध किया गया है। साथ ही शंकराचार्य के इस कथन के जवाब में पास्टर ऑफ भुवनेश्वर यूनिट फॉर चर्च का कहना है कि ये सरासर झूठ है, ईसा मसीह कभी भारत नहीं आए थे और साथ ही शंकराचार्य का कथन झूठा और मनगढ़ंत है। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए आजकल न्यूज़।